क्वेश्चन नंबर 4 एट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए आपने इससे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किया है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में और एडिशन और इसके बाद का एक और क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पर आपको ऐड पूछा गया है वहाँ कॉमा की जगह आपको एडिशन का सिंबल लगाना है, राइट। और इसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्ट कहा जाए तो कॉमा की जगह सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। यहाँ पर क्योंकि ऐड पूछा गया है तो हमने यहाँ पर कॉमा को हटा के एडिशन का साइन लगा देना है। और ये हैं आपके प्रोडक्ट्स, दो टर्म्स के प्रोडक्ट्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो हम इन दोनों टर्म्स के बीच में जो एक्सप्रेशंस हैं इनके बीच में जो कॉमा लगा है उसकी जगह हम लगाएंगे एडिशन का साइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। 3x² (2x) प्लस 7y, कॉमा हटा दीजिए, एडिशन का साइन लगाए क्योंकि एडिशन बोला गया है आपको यहाँ करने के लिए। एंड उसके बाद 7x² (5y) - 3x। अब आपको बोर्ड पास के अकॉर्डिंग मालूम है पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राइट। ब्रैकेट्स करिए या मल्टीप्लीकेशन करिए, एडिशन से पहले ये दोनों ही चीज़ें आती हैं। तो ब्रैकेट्स को अब आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन अब आपको आता है, कैसे करना है, राइट। एक बार फिर हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 3x² (y) को मल्टीप्लाई करना है 2x से, प्लस उसके बाद 3x² (y) को मल्टीप्लाई करना है आपने 7y से, प्लस 7x² (y) को मल्टीप्लाई करना है आपने पहले 5y से, पहली टर्म से, और उसके बाद प्लस माइनस, देखिए साइन का ख्याल रखना है, प्लस माइनस माइनस। तो उसके बाद आपको 7x² (y) को मल्टीप्लाई करना है 3x से, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन करके लिख देते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, 3 × 2 = 6, उसके बाद x, (2, 1, 2+1, 3) एंड 1। जेड तो यहाँ पे है कि एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स यहाँ पर एक्स के थे और एक वाई का था, क्योंकि वाई का एक ही टर्म है तो हमने उसको एज इट इज लिख लिया। उसके बाद 3 × 7 = 21, एक्स की एक ही टर्म है यानी x², और उसके बाद वाई (1, 1, 1+1, 2) प्लस 7 × 5 = 35, एक्स की एक ही टर्म है स्क्वायर, वाई की है यहाँ पर (1, 1, 1+1, 2) माइनस 7 × 3 = 21, एक्स की दो टर्म्स हैं यहाँ पे तो 2+1 = 3 एंड वाई सिंगल नंबर। अब देख लेते हैं यहाँ पर, मैं आपसे पहले भी कह रहा, ये देखना है आपको लास्ट का आंसर लिखते रखते हैं, कोई लाइट टर्म तो नहीं है हमारे पास, राइट। यहाँ पर अगर आप पहली टर्म में देखें तो आपके वेरिएबल्स हैं x³, (x³y), और अगर आप लास्ट का देखेंगे तो यहाँ पे भी (x³y) है, इसका मतलब ये दोनों लाइट टर्म्स हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें सेकेंड एंड थर्ड टर्म में, तो यहाँ (x², y² है, यहाँ पर भी (x², y² है, मतलब ये दोनों लाइट टर्म्स है। तो जो लाइट टर्म्स है उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, राइट। सबसे पहले (x³y) का देख लेते हैं यहाँ पे। तो (x³y) देखना तो आपको ऐसे ही है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, राइट। अब इनके नंबर्स देख लेते हैं, क्या है, 6 - 21, 6 - 21, क्या क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 माइनस किया कितना है आपका 15, एंड साइन ऑफ माइनस क्यों लगेगा साइन माइनस का, क्योंकि 21 बड़ा है उसके आगे नेगेटिव साइन है। तो ये हो गया आपका -15 (x³y). उसके बाद हम करते हैं बात सेकेंड एंड थर्ड टर्म की। तो यहाँ पे जो कॉमन वेरिएबल है वो क्या है, (x², y²), राइट। दोनों ही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एडिशन में है, मतलब प्लस साइन के साथ है, पॉजिटिव है दोनों,
इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका 56। अब आपका आंसर जो है ना वो होगा -15 x³ + 56 x² y²